न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.9। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एक्युमुलेटेड बैटरी ऑफ ए कार इज 12 वोल्ट। आपके पास कोई बैटरी है और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ गिवन है, कितना बेटा 12 वोल्ट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, तो कितना है वो 0.4 ओम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो इस बैटरी से हम मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन कर सकते हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो बेसिकली तो यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है, ये तो इसका नॉर्मल सर्किट है, बट अगर इसमें सर्किट में मुझे करंट की वैल्यू क्या चाहिए मैक्सिमम, तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 0, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो इस करंट का अपोज करेगा, तो हम चाहेंगे कि इस अपोजिशन फैक्टर की वैल्यू कम से कम हो, और कम से कम का मतलब कितना 0। इसका मतलब ये है ही नहीं, अगर यहाँ है ही नहीं तो बताइए इसके अंदर सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या होगा। ओम्स लॉ तो जानते हो, आई इक्वल टू कितना होता है वी अपॉन आर। अब यहाँ देखो वोल्टेज का काम कौन कर रहा है ईएमएफ, अपॉन में यहाँ ए की रेजिस्टेंस है कौन सा इंटरनल, तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना 12, रेजिस्टेंस कितना 0.4, कैंसिल आउट करोगे पॉइंट हटाया 10 आ गया ऊपर, 4 से कितने टाइम 3, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना बेटा 30 एम्पीयर। तो हम 12 वोल्ट की बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा।